के चलते ईदगाह में ईद की नमाज़ अदा नहीं हो पाई। इस बार ईद का त्यौहार फिर आ रहा है, तो क्या शासन आदेश गाइडलाइन आपको जारी मिले हैं? इस मौके पर सबसे पहले तो ये कि जैसे हम सब लोगों ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने रमज़ान मुबारक का महीना और ये त्यौहार जिसमें हम सबको आपसी भाईचारे का, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने का, एक दूसरे की ज़रूरत का एहसास करने का सबक मिलता है, उसमें हम पहले से खुद अपने लोगों को इस बात का मैसेज सर्कुलेट कर चुके हैं कि हम सिर्फ इस महीने में नहीं बल्कि हमेशा से अपने लोगों के लिए, अपने तमाम देशवासियों के लिए और अपने देश के लिए हमसे जो भी बन सकेगा और जिस स्तर पर भी हम काम कर सकते हैं हम उसमें कोई कमी नहीं करने देंगे, होने देंगे। दूसरी बात ये कि जैसे हमारा दीन भी इस बात को कहता है कि मुसलमान वो है जिससे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हम पहले से इस चीज़ का पालन करते चले आ रहे हैं और साथ में इसमें हमारे शासन प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हुई है कि पब्लिक प्लेसेस जितने भी हैं, जो सार्वजनिक स्थल हैं, उन पर भीड़ न लगाएं और किसी के भी आने जाने में, किसी की भी किसी तरह की ज़रूरत में कोई बाधा, कोई रुकावट पैदा न होने पाए, इसके लिए हम हमेशा की तरह पहले से तैयार हैं और जो भी हमें कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसको भी हम मद्देनज़र रखते हुए अपने लोगों से अपील कर चुके हैं। और एक मरतबा फिर सबसे मैं ये आह्वान करूँगा कि हमसे किसी को कोई तकलीफ़ ना होने पाए, क्योंकि असल इबादत वही है कि आदमी अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों के हक़ को पहचाने, हर एक के काम आने वाला बने। हमारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये ईद का जो त्यौहार है, ये खुशियों का पर्व, ये हमें ये संदेश देता है कि हम ही खुश ना हों बल्कि हर एक नागरिक, हर एक भारतवासी खुश होना चाहिए। हमारे देश का हर बच्चा, हर बड़ा, हर माँ, हर बहन, हर बूढ़ा, हर गरीब, हर अमीर, हर आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए और हम इसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे जहाँ तक हमसे हो सकेगा। और मैं एक बार अपने तमाम लोगों को, ख़ास तौर से अपने शहर के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को और शेरकोट बस्ती के अतराफ़ से और जो इसके जुड़े हुए गांव देहात हैं उन सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, पहले से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह करे कि